समी जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हमने ग्वार गम और ग्वार सीड में अच्छी तेजी आते हुए भी देखी थी। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन पहले ग्वार गम 13,000 के पार निकला था और ग्वार सीड की कीमतों में भी अच्छी खासे लेवल्स देखने को मिल रहे थे। वहीं आज देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही और दोनों में ही 4-4% का लोअर सर्किट लग चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये जो निचले स्तर हैं ये आगे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लिए जा सकते हैं या फिर यहाँ से ये जो प्रॉफिट बुकिंग है और एक्सटेंड होंगी? देखिए दोनों ही बातें हैं। पहले ये प्रॉफिट बुकिंग जो है ये 2 सेशन और एक्सटेंड हो सकती है जहाँ हमें 6,300 तक के भी स्तर देखने मिलेंगे, यानी करंट लेवल से करीबन 2.5 से 3 फीसदी और हमें एक बार फिर से मिलेगा। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी, क्योंकि 5,000 से 5,300 के स्तर निकलने के बाद हमने कोई भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी थी, तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का दौर हमें देखने मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि निचले स्तरों पर दोबारा बाइंग एमर्ज होते हुए हमें 7,000 तक के लेवल दोबारा देखने मिलेंगे। जी,